Hello friends, myself Rashmi Patel. Today we learn another new topic in English for class 9. In this video we learn poem number 6, No Men Are Foreign. Foreign means people who belongs to another country. यहाँ poet क्या कह रहे हैं? No men are foreign. कोई भी जो man है, कोई भी person है, कोई भी people, वो foreigner नहीं है, सब एक है. और पीपल, सब पीपल सेम है, इक्वल है, ऐसा बता रहा है हमें. ओके, तो जो पोएट है हमें बता रहा है कि जो ये जो पोएम है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बताई गई है. नो मैन आर फॉरेन, जो फॉरेनर है, जो भी कंट्रीज की बॉर्डर्स है वो हमें बनाई हुई है. ओके, पर जो सब पीपल्स है वो एक है. और ये जो पोएम लिखी है जेम्स किरकप ने. ओके, तो इन दिस पोएम पोएट टेल अस दैट ऑल द डिविजन्स बेस्ड ऑन नेशन, कास्ट, कलर, रिलीजन और ब्लेस ऑल पीपल है सेम. ओके, जो सारी कंट्रीज के पीपल है वो एक ही है. जो बाउंड्रीज, जो बॉर्डर्स बनाई गई है वो हमें बनाई हुई है. और इसलिए पोएट कहते हैं कि ये जो है वो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है. स्ट्रॉन्ग पील फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो हम देखते हैं उसके फर्स्ट आंसर. रिमेंबर Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. Land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Strange means unknown. Okay, countries foreign means कि इसलिए बॉर्डर के लिए बताया गया. ओके, और बीनिथ मीन्स अंडर वी ऑल सेल लाई मीन्स व्हेन पीपल या पर्सन डाई, व्हेन पर्सन डाई. तो रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन. याद है पोएट क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल, कोई भी मैन अननोन नहीं है हमसे, और कोई भी मैन फॉरेनर नहीं है, कोई भी कंट्रीज फॉरेन नहीं. जो कंट्री इस अर्थ पे जो कंट्रीज की डिवाइड की जो बॉर्डर जो बनाई गई है वो हमारी हुई बनाई हुई बॉर्डर है. कंट्रीज फॉरेन मीन्स बॉर्डर, जो बॉर्डर से वो हमारी बनाई हुई बॉर्डर से. कोई भी पर्सन अननोन नहीं है और कोई भी मैन फॉरेनर नहीं है. बीनिट ऑल यूनिफॉर्म्स जो कौन पॉइंट है, सोल्जर्स. तो हर कंट्री का जो सोल्जर्स होता है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं. तो ये जो पर्सन्स होते हैं जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, ओके, उसके अंदर के जो बॉडीज है वो सिंगल बॉडी ब्रीथेड लाइक आवर्स. जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं वैसे ही वो लोग ब्रीथिंग करते हैं. ओके, हम सारे एक ब्रदरहुड है, एक ही पर्सन है. कि मैंने कोई भी पर्सन फॉरेन नहीं है. एंड द लैंड आवर ब्रदर वॉक ओपन इन इस अर्थ लाइक दिस. और हम जिस अर्थ पे चलते, हम जिस लैंड पे चलते, वही लैंड पे वो पर्सन भी चलते. तो वो हमसे अलग कैसे, जो नेचुरल सोर्स है जो हमें मिला है वही उनको भी मिला है, तो वो हमसे अलग कैसे हुए. इन विच वी ऑल सेल लाइव, जब भी कोई भी पर्सन डेड होती है तो वो उसकी जो ग्रेव बनते है, ग्रेव, ओके, वो लैंड के अंडर बनती है. तो जैसे हमें इस लैंड पे आए, जैसे हम इस लैंड पे चलते हैं, हम इस लैंड पे जो नेचुरल सोर्सेज वो यूज़ करते हैं, वैसे ही वो लोग यूज़ करते हैं कि अदर कंट्री के पीपल. तो वो फॉरेन कैसे अननोन पर्सन हुए. तो वही जो पर्सन है इस धरती पे चलते हैं, ओके, तो वही धरती पे हम चलते हैं, वही धरती पे वो चलते हैं. और जब हम डेट होते हैं, कभी पर्सन की डेट होती है, वो उसकी जो ग्रेव बनाई जाती है वो लैंड के अंदर, तो उसकी भी वो लैंड के अंदर ही समर्पित हो जाते हैं, जैसे हम होते हैं.
तो ये जो पूरी स्टांजा है पोइट बता रहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो अनन नहीं है, कोई भी पर्सन फॉरेनर नहीं है, जो जो बाउंड्रीज बनाई गई है वो हमारी बनाई हुई है, और जो यूनिफॉर्म के नीचे जो एक बॉडी होती है बॉडी वो सिंगल ब्रीथिंग, जैसे हम ब्रीथिंग करते वैसे ही वो लोग ब्रीथिंग करते, जिस लैंड पे हम चलते उसी लैंड पे वो लोग चलते, जिस लैंड में हमें दफनाया जाता है डेथ आफ्टर डेथ, ओके वैसे उनको भी। नेक्स्ट आंसर, डी टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, हियर दे रिफर टू बिलोंग टू अनदर कंट्री फॉरिनर की। तो हम जैसे यूज करते हैं वैसे नेचुरल सोर्सेस, ओके वैसे ही वो फॉरिनर जो होते हैं, ओके अनदर कंट्री के पीपल जो होते हैं वो भी ये यूज़ करते, तो वो फॉरिनर कैसे हुए, हमें सनलाइट मिलती है ओके तो हम भी वो भी उसको सनलाइट को यूज़ करते हैं, ओके हवा पानी और ऊर्जा जो हम सब चीज़ हम जैसे यूज़ करते हैं नेचुरल सोर्सेस वैसे ही वो लोग भी यूज़ करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जब वहाँ शांति बनी रहती है पीसफुल जो भी है वहाँ शांति बनी रहती है, तब वो हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप पाक वो भी शांति से फैट खाते हो खाते पीस से अपनी लाइफ स्पैन करते हैं, जब इस जगह पे पीसफुल बना रहता है तब। और बाय वॉर लॉन्ग्स विंटर स्टाव, और वहीं पे वॉर होता है या विंटर होता है तब वहाँ पे क्या होता है स्टाव होता है हंगर हंग्री, ओके तो वहाँ भी सब लोग भूख से पीड़ित होते हैं, जैसे हमारे यहाँ वॉर होते हैं या विंटर सीजन तो हमें खाने के लिए कम मिलता है, तो हम थोड़ा जैसे उसे स्टाव हो जाता है हंग्री हो जाते हैं, तो वहीं पे भी ऐसा ही होता है। तो वॉर होने की उनके दोनों पार्टीज होती है उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, वॉर होने की वजह से क्या होता है नुकसान ही होता है सबका डिस्ट्रॉय ही होता है, तो वो जब वॉर या होती या विंटर होता है तब उस वॉर विंटर होता है तब उनको स्टाव करना पड़ता है, और पीसफुल होती है तो वो आराम से खाते फैट करते ठीक जैसे हम करते वैसे। हमारे यहाँ जो वॉर हुई तो हम भी खाने के लिए थोड़ा तरसेंगे ओके, और जब पीस चल रही है तब हम चैन से खा सकते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर लेबर, लेबर हियर मीन्स जैसे हम काम करते हैं वो लेबर, तो हम जैसे काम करते हैं हम हमारे हाथ से हम जैसे काम करते हैं वैसे ही जो हैंड्स हैं वो उसके भी आर्म्स हैं हमारे आर्म्स जैसे, तो हम जैसे मैन वर्क करते हैं ओके जैसे स्ट्रगल करते हैं वैसे ही वो लोग भी करते हैं कुछ, यानी कि वो उसकी उसकी और हमारी जो मेहनत होती है जो हम लेबर करते हैं उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही करते हैं। नेक्स्ट आंसर, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स डेट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ डेट कैन बी वॉन बाय लव इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो रिमेंबर दे हैव आईज, तो जो ह्यूमन बींग्स है तो उसके जो सारे लैंड पे जो ह्यूमन बींग्स है उसकी सबकी बॉडी सेम है, दो आँखें दो कान है ओके मुँह माउथ है के नोज है आईज है दो हैंड दो लेग्स ओके, जैसे हमारी बॉडी बनाई गई वैसे ही उन लोगों की भी है, तो सबको सेम है हमारी बॉडी सेम है। दे हैव आईज लाइक आवर्स, जैसे हमारी आईज है वैसे ही उन लोगों की आईज है। डेट वेक और स्लीप, जैसे हम सोते और जागते हैं वैसे ही वो लोग भी सोते और जागते हैं वेक एंड स्लीप। एंड स्ट्रेंथ, हमारी जैसी स्ट्रेंथ है वैसे ही उनकी स्ट्रेंथ है। डेट कैन बी वॉन बाय लव, और हमें उसे जीत सकते हैं कैसे, तो लव से प्रेम से हमें उसे जीत सकते हैं, तो जैसे हम करते वैसे ही वो लोग करते, हमारी आई से वो सोती है जगती है वैसे ही वो सोती है जगते है। स्ट्रेंथ है जो हम उसे लव से प्रेम से उसे जीत सकते हैं।
इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड लाइफ हियर लाइफ बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स ओके लिविंग बींग्स इन एवरी लैंड जो अर्थ है ये उस पर सब एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बींग्स है जो एक दूसरे को समझती है ओके और हमारी जो ये लाइफ है इस लैंड पे तो हम उसे समझ सकते हैं किसी को पहचान सकते हैं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसे हम समझ भी सकते हैं तो ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते हैं तो पोएट हमें मैसेज दे रहा है कि कोई भी पर्सन एक दूसरे से अलग नहीं है हम उसे रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं लास्ट लेट्स अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज अवर सेल्फ्स दैट वी सेल डिस्पोजेस बैटरेड कंडेमन रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर डिस्पोजेस मीन्स डिसलॉज और डिस्प्रायर किसी चीज से वंचित रहना किसी चीज से वंचित रहना बैटरेड मीन्स विश्वासघात करना बैटरेड मीन्स विश्वासघात करना कॉन्डेमन मीन्स बुरा करना कॉन्डेमन मीन्स बुरा करना तो लेट्स अस रिमेंबर पोएट कह रहा है कि ये भी चीज़ याद रखनी है वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स जो हमारे ब्रदर्स हुड है हम एक जेब तो हम दूसरी कंट्री के लोग को क्या करते हैं उसे हेट करते हैं किसी को हेट करने तो उसकी वजह से क्या होता है वॉर होता है तो वॉर होने की वजह से बहुत सारा जो नुकसान होता है दोनों पार्टीज का हम दोनों वॉर कर रहे हैं दो कंट्रीज ओके तो हमारी इंडियन कंट्री और हमारे साथ जो वॉर कर रही है दोनों कंट्रीज जो दोनों पार्टीज है तो सबका बहुत नुकसान होता है तो वो नुकसान किसको होता है वो नुकसान हमें ही होता है इसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ें हैं उसे हम क्या करते हैं डिस्पोजल हम उसी चीज़ से वंचित हो जाते हैं हमें कुछ मिलता नहीं जैसे भी नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा में बताया गया कि स्टाव होता है ओके हंग्री हो जाते हैं खाने के लिए नहीं मिलता वॉर होती है तब वैसे ही जो वॉर होगा हम एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं कि हेट करने के बारे में बता रहे हैं और हम हेट करने लगे उसके वजह से वॉर हो तो वो हम इसी चीज़ से हम वंचित हो जाते हैं डिस्पोजेस हो जाते हैं कि डिसलॉज हो जाते हैं वैसे ही बैटरी तो हम अपने आप से ही क्या कर रहे हैं विश्वासघात कर रहे हैं बैटरेट कर रहे हैं अपने आप से ही विश्वासघात कर रहे हैं और कॉन्डेमन हम अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं तो पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि जब भी हम किसी को हेट करने के बारे में बताएंगे हम किसी को हेट करेंगे उसकी वजह से जो भी कुछ होगा तो उसी उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके ऊपर लागू होगा हमारे पास ही लागू हमारे ऊपर ही लागू होगा क्यों तो जो चीज़ होगी उसे नुकसान हमें ही होगा ओके हम ही किसी चीज़ से वंचित रह जाएंगे हमारे साथ ही विश्वासघात होगा हम अपने साथ ही बुरा करेंगे रिमेंबर वी हु टेक्स आर्म्स अगेन ईच अदर हियर आर्म्स रेफर टू वेपन ओके तो जो वॉर होगी तो याद है जब भी वॉर होगी तब जो इंच अदर दोनों पार्टीज के पास क्या होगी वेपन्स में क्या हो सकता है ओके गन हो सकती है बुलेट्स हो सकती है ओके कोई एक्सेट्रा ऐसी कई सारी चीज़ें जो वेपन में यूज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा ब्लड शेड हो जाएगा चारों ओर ब्लड शेड हो जाएगा डेड बॉडियाँ इस वॉर प्लेस पे पड़ी मिलेगी आपको बैटल में जो होती है तो पड़ी मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा पूरा अर्थ डर्ट हो जाएगा डर्टी हो जाएगा तो हम एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे वार करेंगे इट इज द ह्यूमन अर्थ डेट वी डेट डिफ्लाई डिफाइल अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर डेट इज एवरीवेयर अवर ऑन Remember, no men are foreign and no countries strange. So here, defile. Defile means make dirty, pollute karna. Okay? Defile. Outrage the innocence. Outrage the innocence. Of means kya hoga? Violate the purity of. So, jo human beings hai. To jaise kya hoga?
ईच वॉर होगी तो दोनों पार्टीज जो होती है वो क्या करेगी, अपने आपको वेपन्स के साथ एक दूसरे के ऊपर वो वार करेगी, एक दूसरे को मारेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो वॉर होती है उसके अंदर एक दूसरे पे ऊपर वो लोग बुलेट चलाएंगे या बॉम्ब कुछ भी डालते रहेंगे। तो उसकी वजह से जो ब्लड सेड है वो लैंड के ऊपर उड़ जाएगी, जब बॉम्ब फटेगा या कुछ भी और करेगा तो जो मिट्टी है वो फिर स्प्रेड होगी हवा में, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा। ओके, तो कुछ भी ऐसी जो चीज़ होती है वॉर की वजह से तो उसके अंदर पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके, पॉल्यूट हो जाएगा। और उसकी जो एयर में जो प्योरिटी है वो प्योरिटी नहीं रहेगी, हिंसा हो जाएगी और वो चारों ओर फैल जाएगी। तो इसकी वजह से अर्थ जो है वो पॉल्यूट होगा और जो स्पीस है वो भी नहीं रहेगी। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। तो यहाँ राइटर ने फिर से वही स्टांस लाइन के साथ पोएम कंप्लीट किए और लाइन जो है वो रिवर्स ली, याद रहे जो कोई भी मैन है वो फॉरेनर नहीं है, ओके, बॉर्डर जो है हमने बनाई हुई है, और नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, और कोई भी पीपल जो है, कोई भी पर्सन है वो अननोन है, कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, सब पीपल एक सेम है, इक्वल है इस लैंड पे। जो बॉर्डर्स जो बनाई गई है वो हमारी वजह से बनाई गई है, ओके, यहाँ जो सब कुछ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके। तो यहाँ हमारी पोएम कंप्लीट होती है, हम नेक्स्ट लेसन में न्यू टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।